12 साहसी शैली। 6 जून 1995 तक 15 वर्ष की शैली खन्ना एक साधारण लड़की थी, लेकिन 7 जून को उसने ऐसा काम किया जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाते। आग की लपटों में से एक बच्चे को निकालना सरल नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की इस छोटी लड़की ने यही कर दिखाया। 7 जून की शाम को ऊना गांव में रहने वाली शैली अपने पिता के मित्र श्री गोपाल कृष्ण के घर गई थी। उसकी माता और छोटा भाई ऋषभ भी साथ गए थे। सब बैठे भोजन कर रहे थे, अचानक घर में आग लग गई। जान बचाने के लिए सभी घर से भागे। बाहर आकर शैली की माँ ने देखा कि 1.5 वर्ष का ऋषभ उनके साथ नहीं था। वह नन्हा बच्चा घर से निकल नहीं पाया था। माँ रो रो कर कहने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो, प्यारे ऋषभ को बचा लो। लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि धधकती आग से उस बच्चे को निकाल लाए। शैली अपनी माँ को रोते न देख सकी। ऋषभ पूरे घर का लाडला था और वह उसका प्रिय भाई था, इसलिए उसे बचाने के लिए वह बिना किसी झिझक के जलते हुए घर के अंदर घुस गई। चारों ओर आग की तपन और धुएं के कारण शैली ऋषभ को ढूंढ नहीं पाई। वह लौट आई, पर फिर धीरज धरकर वापस गई। वह ऊंची उठती हुई लपटों को नहीं देख रही थी। अपने दुख दर्द का उसे ध्यान नहीं था, उसे केवल अपने भाई का चेहरा दिखाई दे रहा था। इस बार शैली की मेहनत सफल हुई। ऋषभ को गोद में उठाकर वह बाहर निकल आई। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन शैली की बहादुरी की कहानी समाचार पत्रों में छपी। साहसी शैली को 26 जनवरी 1997 के दिन भारत सरकार ने इनाम दिया। शैली कई बहादुर बच्चों के साथ सजे हुए हाथी पर बैठी। सबने शैली को 26 जनवरी की परेड में देखा।